Subscribe my channel and press bell icon for new video updates. Also like and comment. नमस्कार, मैं शारदा, शारदास किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से होटल स्टाइल में टमाटर का सूप देखेंगे। इसकी रेसिपी जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पे मैंने चार टमाटर लिए, इसे हमें काट कर लेना है। सबसे पहले इसके हमें आंख निकाल लेना है। और इसे चॉप कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। गैस को ऑन करना है। इसमें जाएगा बटर 3 बड़े चम्मच, एक तेज पत्ता, एक बड़ा प्याज लिया था मैंने, इसे काट कर लिया है। ये 10 से 15 लहसुन की कलियां, एक अदरक के टुकड़े, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। अगर आप प्याज नहीं खा रहे तो प्याज नहीं डाला तो भी चलेगा। और ये टमाटर, टमाटर को हमें अच्छी तरह से पकने देना है। थोड़ा सा नमक, टमाटर को अच्छी तरह से गलने देना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इसे हमें 10 या 15 मिनट तक अच्छी तरह से पका कर लेना है। ये बीच बीच में हमें इसे थोड़ा सा देख लेना है टमाटर अच्छी तरह से हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े स्लाइसेस लिए। इसका साइड का ब्राउन कलर का पार्ट हमें निकाल लेना है। इसके हमें छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेना है। ब्रेड के स्लाइसेस को हमें डीप फ्राई कर लेना है। टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, हमें गैस को बंद कर देना है। इसे हमें छाननी से इसका पानी निकाल लेना है। तेज पत्ता निकाल लेना है हमें। इसे हमें मिक्सी के जार में लेना है। इसे थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हमें पीस कर लेना है। तो हम इसके लिए हम थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे पीस कर लिया है। इसे हमें निकाल लेना है। इसमें जाएगा ये पानी जो हमने छान कर निकाला है। इसमें पानी आप आपके पसंद के अनुसार डालिए। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो कम डालिए, और पतला चाहिए तो थोड़ा ज्यादा डालिए। इसे हमें अच्छी तरह से उबाल आने देना है। यदि आपको लाल कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। टमाटर पकाते समय थोड़ा नमक डाला था तो इसलिए हमें ध्यान से ही नमक डालना है। इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी। आप अपने पसंद के अनुसार काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सभी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो। ये अच्छी तरह से उबल चुका है। इसके ऊपर थोड़ी सी जहाँ चाहिए थे इसे हमें निकाल लेना है। गैस को बंद कर देना है। इसे हमें एकदम प्लेन बनाना है, तो इसे हम फिर से एक बार छान लेंगे। ये अच्छी तरह से हमने छान लिया है इसे। अगर आपको गाढ़ा बनाना है तो आप इसमें टमाटर पकाते समय ही मुट्ठी भर चावल डाल दीजिए। इसमें आप पकाते समय आलू के टुकड़े भी डाल सकते हो, ताकि आपका सूप अच्छी तरह से गाढ़ा बन जाए। ये जो छाननी से नीचे का है, ये भी हमें निकाल लेना है। इसे हमें फिर से उबाल निकाल लेना है। इसमें गाढ़ापन लाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। ठंडे पानी में इसे घोल कर लिया है। इसे हमें इसमें ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, नहीं तो एकदम से गाढ़ा बन जाएगा। ये कॉर्नफ्लोर की वजह से थोड़ा सा कलर चेंज होता है, लेकिन बाद में फिर से लाल कलर आ जाता है। थोड़ी देर तक इसे हमें गाढ़ा होने देना है।
इसे हमें सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। इसमें हमने जो ब्रेड को फ्राई किया था इसमें ऐड करना है। तो लीजिए, घर में बना हुआ होटल स्टाइल सूप तैयार है। बारिश का मौसम है और इसमें गर्मा गर्म सूप पीने का मजा है कुछ और है। इस प्रकार आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने अनुभव में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।